अभी हम चार से पीछे हैं थोड़ा सा। इधर फैसल को एक गांव है, हमारे को कालड़े दोस्त की शादी है और उसकी शादी के लिए हम टेंट वगैरह बुक करने जा रहे हैं। ये इधर कमांद की फसल लगाई उन्होंने, ये कमांद की फसल लगाई गई है इधर। यहाँ पर पहले बाग था और ये मैं हूँ। वो इधर छोटी सी प्यारी सी मस्जिद है, ये भी किन्नू के बागात है। इधर गंदम की काश की हुई थी, अभी गंदम काट दी गई है। ये तूड़ी पड़ी है गांव के लिए, जानवरों के लिए। ये सर्दियों में जब नरम चारा होता है जिसे बरसा बोलते हैं, उसके अंदर मिक्स करके खिलाते हैं ताकि जो जानवर वगैरह हैं वो सही तरीके से अपना पेट भर लें, नहीं तो नरम चारे से उसे पेट नहीं भरा जाता। ये चौधरी तैयब का डेरा है, ये चौधरी तैयब का तैयब राई का डेरा है, बारह दरी है। उधर वो एक सुनियों की बहुत प्यारी सी मस्जिद है। ये मकई की काश्त हुई हुई है, ये दुकानें हैं। अब हम इस चार शुमाली के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये बकरी खड़ी हुई है इधर, ये एक घर जेर तमीर है। अब हम आस्ता आस्ता आगे जा रहे हैं। ये 104 शुमाली आ गया है। ये फर्नीचर की दुकान है, इस साइड पे एक होटल है। जनाब अमीर साहब, ये सामने डीजल एजेंसी है, साथ ये नदीम संधू की डीजल एजेंसी है। ये जनाब हमारे भाई सैफ साहब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इस साइड पे जो मेरा बाजार लगा हुआ है, इधर ये सामने कोठी है, ये साथ सेंट्री की दुकान है। जनाब उस्ताद बिलाल साहब, ये हमारा उस्ताद था दर्जी, ये भी सेंट्री की दुकानें वगैरह हैं। ये चिकन वाला बैठा हुआ है, ये मोबाइल शॉप है सामने और मोची की दुकान है। जिसे लोग प्यार से नाना बुलाएं तो ये आगे से गुस्से हो जाता है। ये दानिश की दुकान है। अब हम पहुंचने वाले हैं राशन संधू की एजेंसी पे, इधर से टेंट वगैरह बुक करने हैं। और हम फाइनली आप पहुंच चुके हैं। ये साथ सूदी है, ये साथ परे साथ साजिद है, परे साथ साथ जैद है, परे राशिद साहब है।